मैं भारती पाटनी आज आपको बताने जा रही हूँ कौन के लड्डू किस तरीके से बनाए जाते हैं। आइए देखते हैं इसमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। 250 ग्राम मैंने मोटा आटा लिया है, नॉर्मल आटे से थोड़ा मोटा आटा है ये। 200 ग्राम घी लिया है मैंने, देसी घी। 250 ग्राम ही मैंने गुड़ लिया है, जिसको मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में कर लिया है इस तरीके से। 1.5 चम्मच सौंठ पाउडर, सौंठ साबुत सौंठ को मैंने पाउडर बना लिया है मिक्सी में पीस के। और 1.5 चम्मच ही मैंने अजवाइन ली है, जिसको भी मैंने दरदरा पीस लिया है। ये गोंद है जो चने की दाल के आकार के कर लिया है मैंने इसको। इलायची है, आधी चम्मच के करीब इलायची है। थोड़े से बादाम और थोड़े से पिस्ता। गैस जला लेंगे और इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे, जिससे हमें गोंद को फुलाना है। घी हमारा गरम हो गया है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके एक साथ ही डालेंगे, नहीं तो ये चिपक जाएगा एक दूसरे में। गोंद हमारा सिक गया है, अब इसे निकाल लेंगे, प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी घी में, इस घी को वेस्ट नहीं करेंगे हम, इसी घी में और घी डालकर इसमें आटा सेकेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा कॉर्न सिक के तैयार हो गया है। अब इसमें इस कढ़ाई में ये बचा हुआ घी और डाल लेंगे हम। इसको पिघला लेंगे। ये हमारा पिघल गया है, इसमें ये आटा डाल देंगे और इसको ब्राउन होने तक सेकेंगे। चलाते जाना है इसको बिल्कुल। बहुत ही अच्छा ये हमारा आटा सिक कर तैयार हो गया है, गोल्डन ब्राउन। इसको सिकने में कम से कम 15-20 मिनट लगे हैं। अब एक प्लेट में हम ये जो गुड़ है हमारा, इसको ऐसे फैला लेंगे। गैस बंद कर देते हैं। इसके ऊपर ये अजवाइन जो पिसी हुई है दरदरी और सौंठ, दरदरी ये डालने के बाद अब इसमें आटा डालेंगे। मेवा और गोंद हम बाद में डालेंगे। आटे को इस पर डाल के चारों तरफ से कवर कर देंगे। इस आटे की गर्मी से ये हमारा जो गुड़ है वो पिघल जाएगा, और जब तक हमारा थोड़ा आटा भी ठंडा हो जाएगा। इस तरीके से आटे से पूरा ये गुड़ कवर कर देंगे हम। ये देखिए अच्छे से कवर हो गया हमारा। ये देखिए ये गुड़ हमारा इसकी गर्मी में पिघलने लगा है। सौंठ और अजवाइन जो डाली थी वो भी थोड़ी इसमें सिक गई है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गरम गरम के ही थोड़े से निवाया होगा तभी इसके लड्डू बनेंगे, ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो फिर बन नहीं पाएंगे। तो जितना हाथ से उठा सके अपन, उतना ठंडा होने पे इसके लड्डू बनाना चालू कर देंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसमें इलायची, बादाम और पिस्ता डाल देंगे अच्छे से। और इस समय ये गोंद भी डाल देंगे इसमें।
ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके लड्डू हमें हाथ से बनाने पड़ेंगे, दोनों हाथ की सहायता से मुट्ठी बांधेंगे और इस तरीके से आप जिस साइज के लड्डू बनाना चाहें लड्डू बनाएंगे। ये देखिए कितने सुंदर हमारे लड्डू बनके तैयार हुए हैं। कोशिश करें सारे लड्डू एक जैसे साइज के बने, देखने में सुंदर लगते हैं। सभी लड्डू हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं, आप लोग भी इसे बना के देखिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो लाइक कीजिए, पसंद आए तो उसे शेयर कीजिए और कुछ कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए।